सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? तो फिर आज की रेसिपी एक अनोखा और इंटरेस्टिंग है, जो कि है मसाले अप्पे। और वो भी हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस से, यानी कि बचा हुआ राइस से हम मसाले अप्पे बनाएंगे। तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस हेल्दी रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पे एक बार ट्राई कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कल की बची हुई राइस ले लिया है, तो फिर इसे मैं एक मिक्सी के जार डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से स्मूथ पेस्ट जैसे बना देती हूँ। थोड़ा सा इसे इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जल्दी सॉफ्ट पेस्ट बन जाए। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है। तो फिर मैं इसे एक कटोरी में निकाल देती हूँ। तो फिर निकालने के बाद मैं यहाँ पे 3/4 कप सूजी मिला देती हूँ। ये बारीक सूजी है। तो फिर इसे मिलाने के बाद हम यहाँ पे अराउंड 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तब तक इसे मिक्स करना है और इसे बंद करके रख देते हैं लगभग 20 to 30 मिनट्स तक। इसे फर्मेंटेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी बन जाती है। तो फिर ऐसी थिकनेस है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे कटे हुए प्याज, कटे हुए ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक कि अच्छी तरीके से मिल ना जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि सारे बाइट्स में आप ऑनियन और ग्रीन चिली की मज़ा ले सके। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्पे की जो पैन रहती है इसे मैंने गरम कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। ये होने के बाद इस मिक्सर को अब हम यहाँ पे अप्पे की जो मिक्सर हमने बना के रखा था इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने देते हैं। अब ये पक के रेडी होने के बाद वन साइड इसे पलट देते हैं और इसे पलटने के बाद इसे भी मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर दिया है, यानी कि कुक कर दिया है। और इसे अच्छी तरीके से सारी जगह कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ब्लैक स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स बन जाए। अब ये रेडी हो चुका है बन के, तो फिर इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और बचे हुए चावल की आप वेस्ट भी ना कर पाए तो फिर ऐसी रेसिपी कुछ बना के घर वालों को और गेस्ट को खिला दिया तो इम्प्रेस हो जाएंगे और बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो फिर आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।